नमस्कार फ्रेंड्स, देश की 65 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। बेसिक पेंशन को लेकर यह फैसला संभव। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। कर्मचारी संगठनों ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। जी हां फ्रेंड्स, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघ समिति के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। जी हां फ्रेंड्स, देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्दी इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। जी हां फ्रेंड्स, ईपीएस 95 एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत सेवानिवृत्त का कहना है कि 30 वर्ष तक काम करने और पेंशन फंड में योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के तौर पर केवल 2,000 रुपये ही मिल रहे हैं। जी हां फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ईपीएस 95 एक प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि की कर्मचारी पेंशन योजना का नाम है। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले कुल पेंशन भोगियों को कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% अंश भविष्य निधि में जमा कराया जाता है और दूसरी तरफ कंपनी नियोक्ता से भी 12% का अंशदान लेकर 8.33% ईपीएस में जमा कराया जाता है। जी हां फ्रेंड्स, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी ने हाल ही में एक पत्र श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखकर बुजुर्ग पेंशनरों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की है।